हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलियोमेन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है हाउ टू ऑप्टेन फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। मतलब कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक का है और जिसने अपने पिछले मंथ की जो रिसेंट मंथ है उसकी GSTR 3B फाइल कर दी है, वो गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम QRMP मतलब 3B को आप क्वार्टरली बेस पे फाइल कर सकते हो, जिसको नाम दिया गया क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। पर आपको उसका पेमेंट जो है वो मंथली कराना पड़ेगा। तो इस स्कीम को आप कैसे चूज़ कर सकते हो GST पोर्टल पर। बेसिकली मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट बिल्कुल सरल भाषा में 100% प्रैक्टिकल। आपको बताया था इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होती है, पेमेंट आपको कैसे करना है QRMP स्कीम के अंदर, और इस स्कीम के आपको क्या फ़ायदे एवं क्या नुकसान है। इसी वीडियो में मेरे को ये वीडियो बनाना था पर मैं तो भूल गया। जब तक मेरी वीडियो एंड हुई मैंने वीडियो एंड भी कर दी और मुझे पता नहीं था कि मेरे को आपको प्रैक्टिकल भी सिखाना है। सो ये वाला वीडियो लास्ट वीडियो का एक कंटिन्यू पार्ट है। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये पार्ट टू है, जिसमें मैं आपको GST पोर्टल पर बताने वाला हूँ कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम को आप कैसे चूज़ कर सकते हो। पर इस स्कीम को ऑप्ट इन करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि ये वाली वीडियो ज़रूर देखो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं हम GST पोर्टल के ऊपर। भैया यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप आओगे सर्विस के अंदर। ये सर्विस का आपके पास कॉलम होता है, सर्विस में आओ। सर्विस के बाद आपको रिटर्न में आना है। किस में आना है? रिटर्न के अंदर। रिटर्न में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट, अरे भैया भग गया है। तो रिटर्न के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। किसका ऑप्शन मिलेगा? ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि अच्छा, चलो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके टर्नओवर के बारे में भी पोर्टल बताया था। डैशबोर्ड पे आए हम। डैशबोर्ड पे आने के बाद ये आपको यहाँ पे डिटेल आ जाती है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। तो मेरा बता रहा है अप टू 5 करोड़, मतलब मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक का है वो QRMP स्कीम को ले सकते हैं। तो सर्विस में आए, सर्विस में आने के बाद रिटर्न, रिटर्न में ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न, और ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न में आने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 2021 से चालू हुआ है, 2021 का फोर्थ क्वार्टर से चालू हुआ है 1 जनवरी 2021 से। यहाँ पर मैंने क्वार्टरली सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, आपका हो सकता है कि यहाँ पे मंथली हो। मंथली के अंदर आपको जो है यहाँ पर आपका इस तरीके से होगा, और आपको यहाँ पर डेट भी मेंशन होगी कि GSTR 1 आपको कब फाइल करना है, क्या है, कैसे नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कर लेना है क्वार्टरली। क्वार्टरली करने के बाद आपको बता रहे हैं कि स्कीम अवेलेबल है 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक के लिए। जैसे आप क्वार्टरली करोगे तो GSTR 1 की डेट सीधा पहुँच जाएगी मंथ के अंदर अप्रैल वाले में, 13 अप्रैल 2021। यहाँ पर आपकी पहुँच गई सीधा 13 अप्रैल 2021 पे। ठीक इसी तरीके से 3B की डेट भी पहुँच गई। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा आ गया, पर आपको पेमेंट मंथली बेस पे करना है, और GSTR 1 की जगह आपको IFF को यूज़ करते हुए दोनों क्वार्टर में इन्वॉइस को अपलोड करना है। पूरी डिटेल आपको जो जानकारी है वो मेरी उस वाली पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड कर दोगे। जब आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड कर दोगे तो आपके पास मेल भी आ जाएगा। चलो मेल क्या दिखाना, आपके पास मेल आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर सेव करने के बाद कंटिन्यू टू डैशबोर्ड कर देना, और आपका ये काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप इस स्कीम को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा भी आ रहा है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। मेरे पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तो भैया 1.5 करोड़ से भी कम है, मैं तो बड़ा गरीब सा आदमी हूँ, यहाँ पर तो मेरा टर्नओवर ही कुछ नहीं है। तो जिनके टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है वो स्कीम को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस स्कीम को ऑप्टेन कर सकते हो। स्कीम के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। सो भैया मेरे, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छे से जानकारी लें। थैंक यू वेरी मच।